और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, दूसरी लहर में पहली बार एक ही दिन में 1 लाख के पार हुआ आंकड़ा। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 1,58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। 24 घंटे में संक्रमण के 1,58,462 केस सामने आए हैं। आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वहीं जानकारी देते हुए आपको बता दें कि 327 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई है। राज्यों की बात ही कर लीजिए अब, जहां राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 41,000 से ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली की बात करें तो 20,161 और साथ ही साथ बंगाल में 18,000 का आंकड़ा अब संक्रमण ने छू लिया है। वहीं 10 राज्यों की बात करें तो यहां पर 1 लाख से ज्यादा मरीज जो हैं वो संक्रमण की चपेट में आए हैं। इससे पहले की बात की जाए तो यहां देश में शुक्रवार को 1,41,000 और गुरुवार को 1,17,100 नए मामले सामने आए थे। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार है। लेकिन देश में अभी कुल एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो 5 लाख के पार हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। कोरोना गाइडलाइन हर जगह यहां पर पालन करना बताया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर प्रशासन भी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप भी आसपास लोगों को जागरूक करें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। क्योंकि जनता अगर सहयोग करेगी तो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी को आसानी से हराया जा सकता है। सबका सहयोग इस महामारी को हराने के लिए जरूरी हो जाता है। इस दौर में यहां कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे पाबंदियां भी कहीं कहीं लगाई गई हैं, जिसके चलते यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा।